And some breaking news just coming in from the state of Haryana. Nayab Saini is to be the new Chief Minister of Haryana. Lok Sabha MP from Kurukshetra and BJP State Chief Nayab Saini replaces ML Khattar, Manohar Lal Khattar, as the Chief Minister of Haryana. Nayab Saini considered to be close to Manohar Lal Khattar, and he is now taking over as the Chief Minister of Haryana. There's been a buzz over his name for a while now. He is considered a close aide of Manohar Lal Khattar. Remember, we had told you there is a possibility of an aide, of a close aide of Manohar Lal Khattar, getting the position of the Chief Minister of the state of Haryana, and that's exactly what has happened. Kamaljeet is getting us more details on that story. A close aide of Manohar Lal Khattar, Nayab Saini, is the next Chief Minister. Tell us more, Kamal. Well, there's a flurry of activity here, and after lots of discussion, Lakshman Yadav here. Sir, we are on live. Sir, up live. So, what he's been saying and speaking to the media is that one, we know Nayab Saini is now the new Chief Minister of Haryana, and a bigger role. Sir, up live is waqt hain, India Today pe. Aap hamare darshakon ko zarur bataiye. Kaise nirnay liya gaya ki Nayab Saini hai yahan pe? निर्णय तो सर्वदलीय बैठक में सबकी सहमति से ही लिया जाता है और वो आज लिया गया है। मनोहर लाल खट्टर का क्या होगा, क्या रोल में रहेंगे, केंद्र जाएंगे? मनोहर लाल जी का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा और उनके आशीर्वाद से हरियाणा चलेगा। अब तक हमारे पास एक मुख्यमंत्री था, अब दो दो है। डिप्टी सीएम का भी बात आ रही है कि जो कास्ट इक्वेशंस है उसको देखा जाएगा, निर्दलीय हैं उनको, जो इंडिपेंडेंट हैं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। अभी ये निर्णय हुआ नहीं है, अभी आगे का कोई निर्णय होगा तो हम बताएंगे। सर, स्वेयरिंग इन कितने बजे? 5 बजे होगी शाये। लक्ष्मण यादव नाउ एंड वी शो यू दैट्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटी आउट हियर एंड क्लियरली अ डिसीजन हैज बीन टेकन। Let's just try and show you what is happening on ground here and just try and get you a sense of what is happening. Nayab Saini Saini ji ko chuna gaya hai neta aur bahut jaldi governor house mein oath hogi, aap sabhi jante hain. नहीं, देखिए ऐसे पूरे मंत्रिमंडल ने जब इस्तीफा दे दिया है तो मतलब सरकार डिसॉल्व होगी, नई सरकार का गठन होगा, तो उसमें इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, इंडिपेंडेंस को कैसे करेंगे? ये देखिए, ये तो विषय जो है मुख्यमंत्री जी का विषय है, किसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये विषय, इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा। बड़ी बात है कि मनोहर लाल खट्टर का क्या रहेगा और केंद्र में क्या करनाल से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ता की भूमिका तय करता है। ये फैसला शीर्ष नेतृत्व लेता है कि किस कार्यकर्ता को किस भूमिका में रखना है, किसने चुनाव लड़ना है, किसने बैक एंड पे काम करना है, ये सारा निर्णय जो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। तो उन्होंने जो निर्णय लिया होगा मनोहर लाल जी के लिए, मनोहर लाल जी वो भूमिका तय कर रहे हैं। जो नए चेहरे की बात आ रही है, डिप्टी सीएम बात आ रही है, देखिए 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 ये स्पेकुलेशन का विषय नहीं है, क्योंकि जो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री महोदय का है वो मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे कि किसको मंत्रिमंडल में लेंगे, किसको क्या जिम्मेवारी देंगे, ये उनका विशेष अधिकार है, इसमें किस तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो सर ऑब्जर्वर्स आए हैं उनका क्या रोल रहा है इस पूरे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की रिवायत है, केंद्र अपने ऑब्जर्वर भेजते हैं जो विधायक दल की बैठक लेके विधायकों से उनकी राय लेते हैं और उसके अनुसार निर्णय होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया का पालन किया गया है। धन्यवाद। यू हैव इट, दिस इज वेयर देयर इज अ डिस्कशन नाउ एंड वी विल जस्ट ट्राई एंड गेट यू सेंस। सर, आप आज तक इंडिया टुडे पर हैं, आपसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो पूरी प्रक्रिया हुआ, ये क्यों नेसेसरी हुआ? जेजेपी से अलायंस टूटा है, मगर मनोहर लाल खट्टर को क्यों बताया? देखिए, ऐसा है कि इसके लिए तो हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बता सकता है, निर्णय जैसा पार्टी का निर्णय होता है हम तो उस हिसाब से अपनी भूमिका देते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि अंदर कई लोग थे जो बोल रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को बने रहना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनोइच्छा है, वो क्या इच्छा रखते हैं स्वाभाविक है। हरियाणा प्रदेश का जो विकास मनोहर लाल जी ने किया है, हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक चाहता है कि मनोहर लाल जी जैसा व्यक्ति पार्टी की हरियाणा का नेतृत्व करे, क्योंकि जो विकास हुआ है। लेकिन हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भूमिका तय की है,
काम तो उसके हिसाब से करना है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने उनकी काफी तारीफ भी की थी अभी गुड़गांव में, क्योंकि उनके काम ऐसे हैं जिस तरह का उन्होंने। फिर क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पे चुनाव में आपको लगा कि क्या जरूरत पड़ी, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये पार्टी का सीनियर नेतृत्व बताए। There you go, a flurry of activity out here, but a big surprise coming in. There was a talk that perhaps there could be a role awaiting Manohar Lal Khattar, and yes, there were MLAs who were coming in support, several of them pointing out that Manohar Lal Khattar could actually be sent to the center, but there were several of them who are his supporters. There's also word coming in around that there could be a change in portfolio. So Anil Vij, who walked away, several of the people saying that he was reportedly upset. But clearly, when it comes to this entire equation happening here, we are just trying to tell you, this is the Haryana Nivas where the activity has taken place. The observers view in, this is obviously a clear direction coming in. One, a change of guard, which means Manohar Lal Khattar in a new role. So this is where, sir, aap live hai is waqt, aap se puchna chahenge. क्या जरूरत पड़ी अच्छा, कि इतना बड़ा बदलाव किया गया? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत की तो कोई बात नहीं है। केंद्रीय परिषद का ये फैसला था और जो विधायक दल का है वो फैसला था कि हमने नेतृत्व जो है हमारा नेता जो है अब नैब सैनी जी होंगे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो एक तरह से स्वॉप हम बोल सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी सेंटर में आएंगे और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब ये कुछ भी एस्पेक्ट्स आप लगा सकते हैं कि वो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और नायब सैनी जी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो कल या परसों भी चुनाव घोषित होने वाले हैं, तो बट ऑब्वियस है कि अब वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेंगे, जब चुनाव घोषित हो जाएंगे तो विधायक दल का नेता उनको यहाँ चुना गया। तो एक चीज बताइए कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि 5 बजे स्वेरिंग इन है, ये क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होगा या उनको बाकी चीजें सिद्ध करनी पड़ेंगी या क्या प्रोसेस अब क्या होगा? नहीं, सरकार सुरक्षित है, जो निर्दलीय विधायक है